और उस जगह के नाम को दरबार में चला गया। जब इमाम को दरबार में चला दिया गया, इमाम पर बराबर हो रहे हैं अब पहचानने वाले जनाब अबू सन से कहते हैं, या अबू सन देखो मुझे दरबार से लाएगा, मैं दरबार में जा रहा हूँ। लेकिन इस बात का ख्याल रखना, जब मैं दरबार में लौट कर के आऊँ और मेरे सर पर कोई कपड़ा पड़ा हो तो फिर हमसे गुफ्तगू करना, मुझे समझ लेना कि मुझे जहर दिया जा चुका है और करीब मैं इस दुनिया से रुखसत होने वाला। इमाम दरबार में गए, हारून रशीद ने जाहिर तौर पर बड़ी इज्जत की बड़ा इकराम किया, अपने पहलू को दिखाया, जो पहले से इरादा कर रखा था उसके तहत जहर आलू मंजूर इमाम के सामने लाए। इमाम ने सामने से इनकार किया तो फौरन कह रहा है कि आप तो हमारी तरफ से हमेशा बुरा ख्याल रखते हैं, ये मंजूर लजीज हैं, बेहतरीन हैं, बहुत कुछ खाया। इमाम ने फौरन जवाब दिया कि फरिश्त के अंगूर इन अंगूरों से कहीं ज्यादा होता है, लेकिन इमाम ने महसूस कर लिया कि अगर अब असर नहीं खाऊंगा तो नतीजे में सूए जन का इल्जाम लगा और उस ऐसी सूए जन के इल्जाम के जरिए से हमारे किरदार को बदनाम करने की कोशिश करे। हमने तो अली अजम बता सुनाया, हम इनका ख्याल रखते हैं, इनका इल्जाम करते हैं, इनकी इज्जत करते हैं और इनकी कहते हुए है कि हमारी दावत कमजोर नहीं थी, चुनाचे जदम का फजा ही जो नहीं जान रहा है। आपको तो बताया अंगूर को होश किया, जब अंगूर को होश कर लिया तो फौरन अपने वहां से खड़े, अगर खड़े हुए तो सर के ऊपर चढ़वा था उसको डाला दरबार से चलने लगे। मामू रशीद पूछता है पढ़ने से दूर कहाँ जा रहे हैं, तो फौरन जवाब है वहीं जा रहा हूँ जहाँ तुमने भेजने का इरादा किया। वो ये बता दिया कि तेरा जहर असर कर गया, मेरा समझना कि मैं वापस नहीं पाना जानता नहीं था, लेकिन मसले परवरदिगार को फिर निगाह रखते हुए ये जहर आलू अंगूर है जिसको मैंने नोट किया। अब उस संत का बयान है कि इमाम अली रज़ा आ रहे थे और मैंने देखा कि सर पर कपड़ा पड़ा हुआ है तो मैं कुछ नहीं बोला, इसलिए इमाम की ताकीद की तो उसने इमाम पर अमल किया, खामोश रहा। इमाम उजरे में गए, इमाम का हुक्म था कि दरवाज़ा बंद कर दिया जाए, चुनाचे हमने दरवाजे को बंद कर दिया। उसके बाद अब उस संत कहते हैं कि मैंने महसूस किया कि जैसे कमरे के अंदर कोई है जिससे इमाम खुशबू हो, इमाम उससे बातें कर रहे हैं, कमरे के अंदर कोई है जिससे इमाम बातें कर रहे हैं, इमाम खुशबू कर रहे हैं। ये सोच रहा था कि क्या करूँ, थोड़ी देर के बाद जब कमरे का दरवाजा खुला तो हमने देखा कि एक बच्चा है जो उस उजरे से बरामद हुआ। अब उसने कहते हैं पूजा सामदारे आप कौन है, क्या उन्हें इमाम अली रजा का फर्जन हो परवरदिगार आलम ने फ़ाइजाल मुझे बड़ी से इमाम बनाया, मैं यहाँ आया हूँ, हमारा हमसे पहले वाला इमाम उस कब तक दुनिया से नहीं जा सकता जब तक कि वो रुमूल के इमामत अगले इमाम के हवाले न कर दे, लिहाजा मैं इस काम के लिए आया हूँ और उसके बाद मासूम के गुस्ल और कफन का इंतजाम सिर्फ मासूम के लिए होता है, मैं उसी को उसके बाद फिर उजरे का दरवाजा बंद हो गया। अच्छा उजरे का दरवाजा बंद हो गया तब उत्तर कहते हैं कि मैं महसूस कर रहा था जैसे उसे दिया जा रहा है, कदम पहनाया जा रहा है, थोड़ी देर के बाद अब जो उजरे का दरवाजा खुला तो इमाम से बराबर हुए और कहा कि जनाजा तैयार है, इमाम के जनाजे की बशायत जनाजा है और नतीजा ये हुआ कि जनाजा बड़े इंतजाम से उठा। सब लोग ये सोचते हैं कि मामून रशीद का जहर देने की रवायत सिर्फ शियों की किताबों में, जनाब
गाड़ी का जायजा ले। ज्यादातर अहले सुन्नत उलमा ने भी लिखा है इमाम रशीद ने ही इमाम अली रज़ा को गैर दिया। सिर्फ एक अल्लामा शिबली ने मानी है, जो ये कहते हैं मामून जैसे इल्म दो अफराद से ये बईद है जो इमाम अली रज़ा को जहर दे। इसलिए बहुत आना था, बहुत इल्म दोस्त था, इल्म दोस्त इंसान और ऐसे आलिम को जहर दे दे, ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। मैं कहता हूँ अगर अल्लामा शिबली रहमानी अपने बात में बिल्कुल सच्चे और खरे हैं तो सवाल ये पैदा होता है दीगर उलमाए अहले सुन्नत ने मामून रशीद को काफिर क्यों बताया है, उसके बारे में क्यों निशानदेही की है कि मामून रशीद ने फर्ज किया। और अच्छा अगर अल्लामा शिबली रहमानी की बात को सही मान लिया जाए तो फिर एक सवाल पैदा होता है कि बनी उमैया के एक आखिर के फजल का इल्जाम मौलाए कायनात के सर लगाया गया और उसके नतीजे में अली को जंगों में झोंक दिया गया, अली को जंगों में झोंक दिया गया। तो अगर मामून रशीद ने इमाम अली रज़ा को कत्ल नहीं किया था तो फिर सवाल वहीं से कायम होता है, हुकूमत तो मामून की थी, इख्तदार तो मामून का था, उसने कौन सी कमेटी बनाई, कौन सा कमीशन बिठाया, कहाँ तलाश की, किसने कत्ल किया, किसने जहर दिया, किसने शहादत कौन करिया शहादत बना। भाई हुकूमत तुम्हारे पास है, किसी मामूली इंसान का जनाजा नहीं है, किसी मामूली इंसान की शहादत नहीं है, कोई आम इंसान नहीं है जिसको कत्ल किया गया है, बल्कि वली अहद मम्लिकत इस्लामी है जिसको शहादत हुई है। तो कातिल का सुराग लगाना ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी या न थी, लेकिन हुकूमत ने सुराग लगाने की, कातिल का सुराग लगाने की कोई कोशिश नहीं की, सिर्फ रस्मी तौर पर यह हुक्म जारी कर दिया कि लोग सियाह लिबास में मलबूस हो जाए, हर जगह सियाह परचम लगा दिए गए, लोग सियाह लिबास में मलबूस हो गए, सारे सरकार के दायरे बंद हो गए, शोक का ऐलान कर दिया गया, बाजार बंद हो गए, हर तरफ रजाए गरीब का मौसम है। कि बस अमीनों मजलिस के बाद शबीय ताबूत इमाम अली रज़ा बरामद होनी है, लिहाजा उसी मुनासिबत से चंद जुमले सुन लीजिए और उसके बाद हम मजलिस को तमाम करो। सिर्फ रस्मी शोक का ऐलान किया है लेकिन कातिल का चेहरा बेनकाब न होने पाए, इसके लिए कातिल का सुराग लगाने का कोई भी इंतजाम मामून रशीद करता बदल नहीं आ रहा। तारीफ खामोश है मगर मैं कहूंगा कि रस्मी सही कम अज कम वली अहद मम्लकत का जनाजा इमाम से खुद हो गया, एहतराम के साथ इमाम अली रज़ा का जनाजा आलम गुरबत में उठा। तो मैं कहता हूँ इमाम अली रज़ा ने जब अपने जनाजे में इस मजमे को देखा होगा, लोगों की सोचवारी को देखी और देखा होगा, सियाह लिबास से मलबूस मशायखे जनाजा करने वालों को देखा होगा, उसके ऊपर एक चोट लगी होगी, अजब नहीं करबला कर उतर के आवाज दी हो ए मेरे जज हुसैन आपका लाल, अरे आपको बहुत शर्मिंदा है, आलमे गुरबत से मुझे भी शहादत मिली तो मगर मेरा जनाजा इतने तमाम से उठ गया, लेकिन हाय हुसैन बड़ी कोई कफन देने वाला नहीं, कोई दफन करने वाला नहीं, हाय सैयद सज्जाद के कुर्बान। एक मर्तबा बनी असत्या क्रांत से कहते हैं एक घरों है बनी असत, अरे कोई चटाई का टुकड़ा या कोई बोरिया ले आओ ताकि मैं अपने बाबा को उसी चटाई के टुकड़े में या बोरिए में लपेट करके तब गुजर दूं। अल्लाह कल जिसके लिए जन्नत से लिबास आया आज उसका जेस बोरिए के टुकड़े में या चटाई में लपेट करके दब दिया जा रहा है। इसलिए
भाई वली अहद मुमलकत है। जैसे ही शहर मरो में जनाब फातिमा मासूम हम दाखिल हुए तो जो रवायत का गुजरा है कि जब गोशा महमिल से जनाब फातिमा मासूम खुद ने देखा के लोग सियाले बाजू में मूस है हर तरह सियाह पर कम लगे हुए हैं तो धीरे धीरे सोचने लगी क्या वली अहद मुमलकत की बहन का किसी शान से इस्तेमाल किया जाता है कि सियाह परचम के साथ सियाह लिबास में मलबूस होने के बाद क्या वली अहद मुमलकत की बहन का इस्तेमाल किया जाता है। मेरे दिल में सोच लगी थी कि मर्तबा जैसे ही महमिल रुकी जैसे ही सवारी रुकी चारों तरफ से शहर के मस्जिद भबरा की खवातीन ने उस सवारी को अपने हल्के में लिया। वो मकान जिसको सरकारी तौर पर खाली कराया था नहायती लगो एहतराम के साथ इमाम रजा की बहन जनाब फातिमा को उस मकान में लेके जाया गया ताकि मर्तबा मासूम हुक्म से रहा न गया। बस एक मर्तबा कहती है ए बीवी हो अरे ये बताओ तुम सब ने सियाह लिबास को पहन रखे हैं मैं तो वली अहद मुमलकत की बहन हूँ क्या तुम्हारे शहर में वली अहद मुमलकत की बहन का ऐसे ही इस्तेमाल किया जाता है। बस अशराफ की ओर से आगे बढ़ी सीने से लगा लिया ए शहजादी आपका भाई आलम गुरबत में शहीद कर दिया गया हम उसका पुरसा देने के लिए आपकी खिदमत में आए हैं। अजीजों जैसे ही खबर मिली जैसे ही खबर मिली कि हम उसका पुरसा लेने के लिए आ रहे हैं हम उसका पुरसा भाई का आप पुरसा कबूल कीजिए तो सूरत आगे हुई ये पुरसा तो बीवियों ने दिया और इमाम रजा की बहन ने पुरसा तो कबूल किया ये बात तो सच है। दिल भर गया लेकिन भाई की शहादत का सदमा दिल पर इतना पहुंचा कि 3 दिन के बाद अपनी जान जाने अपनी के हवाले कर दी जी जाता हाथ जोड़ कर आवाज को ए मासूम हो भाई की मस्जिद को कुचली हुई थी देखा था जख्मी हालत में नहीं देखा था जिस पर जहर का शराब नहीं देखे थे मगर आप बर्दाश्त न कर पाई ए मासूम हो जरा करबला में आ जाइए एक बहन और है बड़े दौड़ चुके हैं अर्ज करबला पर जिसके टुकड़े हैं जो बिखरे हुए हैं। जैनब ने भाई की मैयत को देखा तो कुछ नहीं कहा बस इतना ही कहा आंता भी अरे क्या तू ही मेरा भाई है क्या तू ही मेरा भाई है ए बीबी जरा करबला चलिए जिस दम रजा का जहर